बहुत जोर लगा इसको तोड़ने में। तो आज हमारे पास एक सोलर पैनल जो लगभग 5 वोल्टेज का आउटपुट निकालता है, 5 से 6 या 7 इतनी ही। इसके हम चेक करते हैं ये कितनी वोल्टेज अभी निकाल रहा है। अभी क्योंकि ये बल्ब की रोशनी में है, सन की लाइट में नहीं है, डायरेक्ट ब्लैक वाला जो नेगेटिव है, रेड वाला इसका पॉजिटिव रहता है। लगभग 1.5-2 के आसपास की वोल्टेज निकाल रहा है। हम इसे एक LED जला के देखते हैं, ये लगभग 5 वोल्टेज की है। ये जो LED रहती है, छोटी छोटी LEDs होती है, इसकी जो छोटे वाला पैर रहता है, जो छोटी वाली लेग है, ये नेगेटिव रहता है, लंबे वाली पॉजिटिव रहती है। बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। हम इसका कनेक्शन करते हैं अब सीरीज में, फिर देखते हैं कितनी वोल्टेज निकालता है। ये 6-7 वोल्ट तक जा रहा है दोस्तों। चेक करते हैं वोल्टेज कितनी आई है। ये कनेक्शन हमने पैरेलल में किया है, रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक। इसमें वोल्टेज बेरी नहीं करती है, आप देख सकते हैं वोल्टेज उतनी की उतनी ही है। वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बहुत जोर लगा इसको तोड़ने में। चलिए, ये सीधा तो टूटा है नहीं, मतलब ये जो बीच में से निकला है बिल्कुल सीधा सीधा टूट गया है। तो इसके अंदर जो है वो, ये कांच तो बहुत सॉलिड है और इसके अंदर ये एल्यूमिनियम की वायरिंग है। गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो एल्यूमिनियम की वायरिंग रहती है, बहुत ही हल्की। फोटोवोल्टिक सेल रहता है, उसी के अंदर से ये कनेक्टेड रहती है और ये ही जो है वो आगे जो सेल है वो करंट प्रोड्यूस करता है और ये इसके कनेक्शन का काम करती है, एल्यूमिनियम की वायरिंग। जो एक साइड जो नेगेटिव रहती है, एक साइड जो पॉजिटिव सप्लाई देता है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट से क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो काफी तेजी से भागते हैं, वो काफी तेजी से मूव करते हैं और ये आगे करंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये ही सिंपल सी चीज रहती है एक सोलर पैनल में, बड़े सोलर पैनल में भी यही चीज रहती है लगभग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।